इसका मैं आपको एक नया इंसान दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैं अंदर गई भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोला। तो अभी ना हमने यहाँ से मिठाई भी ले ली तो संगीत आ तो मैंने यहीं से संगीत ही लंच करने का टाइम तीन दीदी के घर पर ला रखी है। सीताराम बेताराम जय श्री केदार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि नेगी पहाड़ी स्टाइल में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को। तो अभी मैं आ गई हूँ ललिता माँ के मंदिर में, मैंने यहाँ पे पूजा कर ली, अब सीधे चलते हैं घर को। आपको बता दूं आज हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि दुकान पर कोई भी नहीं था, इसलिए दुकान बंद रहती, इसलिए मैं और मम्मी जा रहे हैं आज लोकल बस से। देखते हैं हमें बस मिलती है या गाड़ी और खूबसूरत सफर का आनंद लेते हैं। और तो अभी मम्मी कह रही है कि नेल पेंट नहीं लगा रखी है, तो नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो मैं आपको एक ना इंटरेस्टिंग से बात बताती हूँ। जो मैंने आज बैग पहन रखा है ना, तो फाइनली इस बैग को ले जाने का दिन आ गया है कि बैग मैंने ना अक्टूबर 2022 में ले लिया था और अब 2023 लग गया है, अब ले जा रही हूँ मैं इस बैग को। तो अभी हमको गाड़ी भी मिल गई है, अब चलते हैं। आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तो है, तू ही तो है जीने की आधा। तू ही तो है, तू ही तो है सांसों की। दोस्तों पहुंच गए हम कॉलेज गेट अगस्तमुनि में और अब चलते हैं एडमिशन करने। कैसे लगता है? मैंने कॉलेज में एंटर कर दिया है, अब देखते हो गाइस ये है कॉलेज, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैं अंदर गई ना, तो भैया ने पता नहीं क्या क्या बोला कि एंटी रैगिंग इस का सर्टिफिकेट बनाना, जो कि मुझे पहले पता भी नहीं था, और अब इसको बनवा के लाते हैं और फिर से मिलते। भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी एडमिशन करने में। अच्छा अरे बड़े भैया ठीक है ठीक है। तो गाइज अब चलते हैं आगे की तरफ और फाइनली काम भी हो गया है। मैं आ गई हूँ ना मिठाई की दुकान पे और मिठाई ले लेते हैं आप दीदी के लिए। जाम जा रहे हैं अभी ना, हमने यहाँ से मिठाई भी ले ली है। अब सबसे पहले चलेंगे मंदिर, फिर जाएंगे दीदी के घर पर और वहीं पे आज लंच करेंगे। अभी ना यहाँ से केले ले रही है मम्मी। हमको मिल गए हैं दादाजी, बहुत ही अच्छा गाना बोलते हैं। एक गाना बोल दो। सीताराम 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 कहिए, दही भी दिरा के राम दही भी दिराइए। जय सीता माता। मंदिर में एंटर करते हैं, आपको इतनी सुंदर से पेंटिंग मिल जाएंगी आपको इधर, और अब एंटर करते हैं। ना पिठाई भी लगा ली है पंडित जी से। अभी हम पहुंच गए हैं दीदी लोगों के घर पे, अब थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते हैं। दीदी के घर पर आ रखे ये है मेरी दीदी, बुआ की लड़की। अभी लंच करने का टाइम भी हो गया, अब देखते हैं आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में दीदी ने क्या बना रखे है। गाइज अब कर लेते हैं लंच और आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में बनने के हैं राजमा की दाल और चावल और करेले। तो अब लंच का आनंद लेते हैं, मिलते हैं आपको।
भी थोड़ा देर बैठे और रेस्ट करा, ऐसे गप्पे लगाए, अब चलते हैं घर की तरफ। अभी आप पीछे देख रहे होंगे अगस्त्य संगीतालय, तो मैंने यहीं से संगीत सीखा था, तो मैं थोड़ा यहाँ पे गुरुजी से मिली और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद आज मैं यहाँ पे आई। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, बात आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, जबकि गुप्त काशी से अगस्त मुनि की दूरी है 24 किलोमीटर, और ये 24 किलोमीटर ऐसे लगे ना जैसे कि हम 50 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब थे। तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर ढुल के पहुँचे गए थे और फाइनली अब घर पर पहुंच गए हैं। तो फाइनली मैंने कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया है। जैसे कि आपने मेरा ब्लॉग देख ही लिया होगा, आज हम कहाँ गए थे, तो मैं और मम्मी गए थे अगस्त मुनि में एडमिशन करवाने कॉलेज का, क्योंकि कल मेरिट टेस्ट आ गई थी, फिर उसकी एक फिक्स डेट रहती है इतने दिन तक तुम्हारा एडमिशन होगा। तो मैं चले गई थी सोमवार को, और अगस्त मुनि में अगस्त्य ऋषि का मंदिर भी है, तो मैंने कहा सोमवार भी है तो सारे शुभ काम आज हो जाएंगे। तो मैं और मम्मी गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। और रास्ते की बात करो ना, तो सारे रास्ते इतने बेकार से थे, ऐसे हो गया था बोरिंग सा, और कहीं कहीं पे ना पूरी रोड टूट रखी थी, कहीं पे धस रखी थी, कहीं पे पेड़ नीचे आ रखे हैं, कहीं पे झरने बह रहे हैं। एक बात तो है गाइस, जैसे ना हम पहाड़ों में आजकल सफ़र करते हैं, बहुत ही अच्छा ना हमको नज़ारे देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे, तो कहीं से झरने बह रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा और रोड के हालत भी आपने देखे ही होंगे। तो आज मैं गई फर्स्ट टाइम कॉलेज, और फर्स्ट टाइम कॉलेज गए तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि कभी कॉलेज तो गई नहीं ना ही देखा। तो साथ में आज मम्मी भी चल गई थी, और जैसे कॉलेज गए ना तो ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, ओरिजिनल बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई थी, इसलिए मैं कॉलेज में बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई। तो कभी वो बोल रहे कि इधर बैंक में जाओ, यहाँ से रसीद कटा के लाओ, ऑनलाइन फीस, अब ऑनलाइन का ज़माना हो तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। उसके बाद मैं और मम्मी गई दीदी लोग के घर पर, तो मैं बता दूँ वो दीदी कौन थी, तो वो दीदी है मेरी बुआ जी की लड़की, और दीदी ने बहुत ही टेस्टी खाना बना रखा था, और जब उनकी शादी भी थी ना उस टाइम पे मिली थी मैं दीदी से, और उसके बाद सीधे आज मिल रही हूँ 4-5 सालों के बाद, 3-4 या 4-5 साल कुछ ऐसे इतने तो हो ही गए। और बहुत ही अच्छा लगा दीदी के घर पे जाके, और मम्मी भी शादी के बाद ही मिली, और दीदी तो ब्लॉग में आई नहीं, तो कभी मैं ज़रूर आपको दीदी को मिलाऊँगी। तो कुछ ऐसा सफ़र रहा, और बहुत ही ज़्यादा ना अभी थकान भी लग गई है, और आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ गाइज ब्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और जल्दी से 1K की फैमिली पूरी कर दो, और आपको मैं ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेते आऊँगी। अब देखते हैं अब कॉलेज कब से स्टार्ट होते हैं, और ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री केदार दोस्तों।